जोहार आपे को तेज रामगढ़ प्रखंड रन बासमर आतुरन मिटे कुड़ी गिदर 12 बछर कना तेने ट्यूशन पढ़ा चलना सुंदरिया और ट्यूशन को रुवड़ घड़ी तकरीबन 9 बजे दिन से लाख रुपए कुछ बदमाश को ठेकन और उन्हें कुड़ी गिदर साथे सामूहिक बलात्कार किया को और को बड़ी किया तेज ना घटना जमते इन सुन हमरा अर्जुन साथे जितला राय दुमका को आग बकलिन है ना घटना चल रहा है तीन और मीट का अब संताल समाज नेता मीट का को सटल लेना और साथ साथ जन प्रतिनिधि को सटल लेना ना घटना जल तो अली साथ साथ थाना लिन चलाना थाना रन को इधर रन आए को तको तो उड़ा लिन किस से को ना इन सारे अली जितला राय ने इन्हों पर कथा बहुत अफसोस की बात है। इतना गंभीर मामला में जो हमारे समाज का जो प्रतिनिधित्व करता है, चाहे आदिवासी समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, वो अभी तक इन परिजनों का हालचाल पूछने तक भी नहीं आया है। ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज टेलीविजन पे बहुत सारे डिबेट होते हैं और बलात्कार को भी मुद्दा बना दिया जाता है। मुझे लगता है कि शायद कुछ कुछ लोग बलात्कार के पक्ष में बात रखते हैं, इसलिए बलात्कारियों का या अपराधियों का मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। मैं ये मांग करता हूं इस वीडियो के द्वारा मैं मांग करता हूँ कि इस देश में जितने भी बलात्कार या हत्या के आरोप में जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसको अविलंब फांसी दिया जाए, नहीं तो फिर जनता कानून को अपने हाथ में लेगी। अभी तक रामगढ़ का अपराधी, रामगढ़ में जो हत्या को अंजाम दिया है, बलात्कार को अंजाम दिया है, वो अपराधी पुलिस के पकड़ से में नहीं आई है, क्योंकि अभी घटना हुई है। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने बॉडी को जो है दुमका भेजा है। मैं चाहता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ा जाए और फांसी की सजा सुनाई जाए। नाम इस देश में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट का एक नाम मात्र का दिया गया है। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट आम कोर्ट से भी स्लो काम करता है, जिसके कारण अपराधी बढ़ रहा है। दूसरी बात देश में जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसे अविलंब फांसी दिया जाए, नहीं तो पब्लिक जो है पब्लिक का भरोसा प्रशासन पे अदालत पे उड़ जाएगा और ऐसी स्थिति में आम जन जो है कानून को अपने हाथ में ले लेगा। जय हिंद, जय झारखंड।